आज क्रॉपिंग पैटर्न के सेकेंड टॉपिक इंटर क्रॉपिंग को हम लोग आज समझेंगे। इसके पहले हमने मिक्स्ड क्रॉपिंग पढ़ा था, उस वीडियो में आपने देखा था कि मिक्स्ड क्रॉपिंग में टू और मोर सीड्स को साइमल्टेनियसली मिक्स करके हम लोग लगा दिए, तो वो तो सिंपल मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया जिसमें कोई अरेंजमेंट नहीं था। लेकिन इसमें इंटर क्रॉपिंग में बस एक ही पॉइंट को आपको याद रखना है कि ये भी मिक्स क्रॉपिंग की तरह है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें पॉइंट क्या है कि ये एक डेफिनेट पैटर्न में इसको लगाते हैं। यहाँ भी टू और मोर सीड्स को लगाएंगे, एक ही लैंड में लगाएंगे, लेकिन एक सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी सिस्टम के अकॉर्डिंग मीन्स एक डेफिनेट पैटर्न में। डेफिनेट पैटर्न यानी एक सी एक क्रॉप को अगर हम लोग एक रो में लगा रहे हैं तो अल्टरनेट नेक्स्ट रो में दूसरे क्रॉप को लगाएंगे, तो इस तरह से एक सिस्टमेटिक लगाना, ये डेफिनेट पैटर्न में लगाना। तो यहाँ मिक्स क्रॉपिंग इंटर क्रॉपिंग में बदल जाएगा। अब इंटर क्रॉपिंग का भी एग्जाम्पल है, सोयाबीन के साथ मेज, लोबिया, ये सब ले सकते हैं। क्रॉप जो इसमें सेलेक्ट करेंगे कि किसके साथ कौन सा क्रॉप हम लोग उगाएंगे, ग्रो करेंगे, तो क्रॉप्स आर सेलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। उनका उस सभी का न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, किसको कौन सा न्यूट्रिशन चाहिए, कौन सा एलिमेंट्स चाहिए, कौन सा रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, उस आधार पे हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं, जिससे कि सॉइल का फर्टिलिटी भी मेंटेन रहे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट इंटरक्रॉपिंग के एडवांटेजेस को देखते हैं। एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग से कंपेयर करें तो इंटरक्रॉपिंग बेटर। कैसे? इट इंश्योर्स मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट सप्लाइड। जितना न्यूट्रिएंट सप्लाई होगा उसका अलग अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, तो न्यूट्रिशन का जो भी सप्लाई है उसका यूटिलाइजेशन भी मैक्सिमम होगा। सॉइल इरोजन इज एफेक्टिवली अरेस्टेड, सॉइल कंजर्वेशन यहाँ है। सॉइल इरोजन यानी कटिंग ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूवल है, रिमूव हो गया, उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। लेकिन यहाँ इंटरक्रॉपिंग के कारण ये सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट हो जाएगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी तो नेचुरल है कि होगा ही होगा, सॉइल फर्टिलिटी इनहेंस भी होगा और वो मेंटेन रहेगा, बैलेंस रहेगा। सबका न्यूट्रिशनल सप्लाई अलग है, रिक्वायरमेंट बोथ क्रॉप्स कैन बी बोथ या ऑल क्रॉप, जो भी टू और मोर लगाते हैं तो बोथ क्रॉप, दो लगाएंगे तो बोथ या अधिक भी लगा सकते हैं, तो उसको इजिली हार्वेस्टेड एंड थ्रेस्ट। एक डेफिनेट रो है ना, पैटर्न है, तो उसको अलग अलग सबको काटा जा सकता है, अलग अलग सबको हार्वेस्ट किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स कैन बी इजली अप्लाई टू इंडिविजुअल क्रॉप। अब किस क्रॉप को कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए पेस्ट कंट्रोल के लिए, तो इसके लिए अलग अलग जब रो है तो अलग अलग पेस्टिसाइड आप यूज कर सकते हो, जबकि मिक्स क्रॉपिंग में ये सुविधा आपको नहीं थी। जब आप स्प्रे करोगे तो सारे क्रॉप के को मिलेगा, लेकिन यहाँ इंडिविजुअली सेपरेटली अलग अलग क्रॉप को रो वाइज हम लोग पेस्टिसाइड भी लगा सकते, स्प्रे कर सकते हैं, अलग अलग हार्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रेशिंग का अलग अलग, तो जब हार्वेस्ट अलग होगा तो थ्रेशिंग भी ऑलरेडी अलग हो ही जाएगा। और फर्टिलाइजर्स कैन बी अप्लाइड एज पर नीड ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की जैसे नीड है, रिक्वायरमेंट है, उसके अनुसार अलग फर्टिलाइजर भी दिया जा सकता है, उसके अनुसार वाटर का भी सप्लाई हो सकता है। तो ये मिक्स क्रॉपिंग के कंपेयर में इस इंटरक्रॉपिंग में एडवांटेजेज अधिक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्रॉप रोटेशन का वीडियो देखेंगे। थैंक यू।